फ्रेंड्स, वेलकम टू माई कुकिंग चैनल मस्ट टेस्ट किंग। पंजाबी, राजस्थानी और साउथ इंडियन फूड सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर। आज हम समा के चावल की खिचड़ी बनाना सीखेंगे जो व्रत और उपवास में बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक कटोरी टमाटर बारीक कटे हुए, 10 काली मिर्च, रोस्टेड मूंगफली के दाने आधी कटोरी, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच राई, एक गिलास दूध और 2 बड़े चम्मच देसी घी और आधे घंटे भिगोए हुए 100 ग्राम समा के चावल। इसे बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और उसमें घी को गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद हम इसमें आधा चम्मच राई ऐड करेंगे। राई ऐड करने के बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा हिलाएंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, रोस्टेड मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। इसके थोड़ा पकने के बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध के उबाल आने के बाद हम चावलों का पानी निकालते हैं और इसमें समा के चावल डालते हैं। इसके बाद कुछ समय तक इसे हिलाते हैं। इसका फ्लेम लो रखेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। इसके 5 मिनट पकने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और काली मिर्च जो हमने 10-20 ली थी उनको बारीक पीस कर डालेंगे। इसके 5 मिनट पकने के बाद हम इसमें थोड़ा सेंधा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि व्रत में अपना साधारण नमक नहीं खाया जाता है इसलिए लेंगे। ये अपनी दूध वाली समा के चावल की खिचड़ी बनकर तैयार है। ये हमारे दूध वाले समा के चावल की खिचड़ी बनकर तैयार है। इंडियन फूड्स रेसिपी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।